ट्रेनी के सामने होगा एक बड़ा खुलासा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो बंद आंखों से भी तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा नजर आएगा। तो मैडम हो गई फाइनली तुम्हारी नींद पूरी? अमन 50 बार आकर देख कर क्या, पर तुम तो उठी ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं रात को इतना थक गई थी ना कि मैंने ना सारी कसर आज दिन में निकाल ली सो के। खैर छोड़ो, वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हारी और अमन की शादी का पहला कार्ड आ चुका है। आधे घर वाले लड़के वाले बने और आधे घर वाले लड़की वाले। और स्पेशल बात बताओ, दादाजी और दूसरे घर वालों के साथ साथ लड़की वाला कौन बना है? कौन? सेजल। अच्छा, I can't believe it. तेजल तुम्हारी साइड लेकर आई, लड़की वाली बनी है वो। मुझे अरे शौर्वरी बहू, जरा यहाँ तो आना बेटा। आई दादी जी। चलो चल के देखते कि लड़के वाले और लड़की वाले मेरी शादी की क्या तैयारी कर रहे। चलो जी। दादी जी, क्या है कि घर की चक्की पे आटा पीसना था, इसलिए सोचा तुझसे कह देती। जो औरत माँ बनने वाली होती है ना, उनके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब रमणीक मेरे पेट में था ना, तो मैंने भी खूब चक्की घुमाई थी। और पार्थ के समय पर तेरी सास ने भी, अब तेरी बारी है, तो सोचा तुझसे कह देती हूँ, लेकिन अगर तुझसे हो पाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल दादी जी, क्यों नहीं, है ना टेनी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चल बेटा शुरू हो जा फिर। वैसे देखने जाए तो ये एक्सरसाइज टेनी को ही करनी चाहिए। इंदु बाकी के काम निपटा लेते हैं। शुरू हो जाओ। ऐसे पुराने जमाने के लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं। अभी तू मेरे को बता, ऐसे चक्की चलाने से बच्चे को कौन सा फायदा होने वाला है, बच्चा कौन सा गोल गोल घूमने वाले, कुछ भी बोलते हैं। वो गोल गोल नहीं घूमेगा, इससे तुम्हारे पेट की एक्सरसाइज होगी, जिससे डिलीवरी के वक्त तुम्हें आसानी होगी। अच्छा, देखा डन्नू, तेरे मम्मी पापा तेरे पैदा होने से पहले मेरे से कितने पापड़ बिलवा रहे। वैसे क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हूँ। लगता है तुमने अपने हीरो का हार खोने का सदमा बर्दाश्त कर लिया। कोशिश तो कर रही, पर एक खुशी किसी और बात की। तो हमें भी बता दो तुम्हारी ये मिस्टीरियस सी खुशी की वजह। नहीं, क्योंकि एकदम सीक्रेट है ना, पर ये वही वाली खुशी है जो तूने मेरे को बताया था ना कि किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, वो वाली। तो टेनी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो खुशी तुम महसूस कर रही हो वो उस हीरे के हार की खुशी से ज्यादा ही है ना? ऐसे ही टेनी, जब तुम्हें सच्चा प्यार होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे कोई खुद से बढ़कर हो जाता है। क्या बात है देसी गर्ल, नॉट बैड। टेनी, इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे तुम्हें साइन करना है। वीजा फॉर्म। और एक बार तुम्हारा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इसलिए इस बार एक स्पेशल फॉर्म भरा के लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। हे अम्मे माता, इस बार ना बस मेरा वीजा लगवा दो, मेरे को हवाई जहाज में बिठा के सही सलामत अमेरिका पहुंचा दो, तो ना मैं आपके सामने नारियल फोड़ूंगी, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे को एक खाली कागज दे, खाली कागज। बट तेरी तुम्हें खाली कागज क्यों चाहिए? अरे वो जिंदगी में जेदा साइन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो अपने साइन बार बार भूल जाती हूँ। एक खाली कागज पे अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और फिर उसके बाद फोरम पे करूंगी, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं हो। अगर तुमने मेरे दिल के अलावा किसी और का कुछ चुराया ना हो, और मेरी जान के अलावा किसी और की जान ना ली। अमन के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना? अरे हट, मैं थोड़ी ना कोई चोटी हुई या मर्डरर हूँ।
तेरा क्यों होगा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अच्छा बाबा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। देखा भारत, मैंने तेरे को बोला था ना कि मैं एक दिन अमेरिका जाती रहूंगी, तो देखा अभी मैं अमेरिका जा रही हूँ, जा रही हूँ अमेरिका। ये तो वही लड़का है सेजल का बॉयफ्रेंड जिसे कल रात में मिली थी, इसका खून हो गया वो भी कल ही रात को। तिनी, तुम ऐसे न्यूज़पेपर देख के शॉक क्यों हो गई? Are you okay? कैसी कैसी खबरें छपते ना आजकल, इसमें लिखा है कि चूहे ने कुतर कुतर के दीवार को गिरा दिया, कुछ भी लिखते हैं नहीं। अच्छा, लेकिन इस न्यूज़पेपर में तो कभी इस तरह की न्यूज नहीं छपती, बताओ मुझे। कॉकरोच 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 कहा? यहाँ नहीं है, मेरे मेरे कमरे में कॉकरोच है, अभी इस बार भी मिल गया ना, जाके मार देती हूँ, मार देती कॉकरोच को, बहुत बड़ा कॉकरोच है। ये कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही? बस भाभी, इनकी इन्हीं अदाओं पे तो फिदा है हम, कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या कर जाती है किसी को कुछ पता ही नहीं होता। मारे तिल नहीं बाट, मेरी किस्मत ना जैसे मेरे पीछे डंडा लेके पड़ गई, गई थी रात को अपना हार लेने और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई, और ये सब कुछ सेजलिया की वजह से, जाके उसे बताती हूँ। अरे टनी, कहाँ जा रही है सुबह सुबह एकदम भागते हुए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फूफा जी। तुझे एक मजे की बात बताओ, कल रात को ने मैंने तुझे बचा लिया। अच्छा? पार्थ आया था तेरे कमरे के बाहर, नॉक नॉक कर रहा था और अंदर जाने वाला था, मैंने उसे बातों में उलझाया और रफा दफा कर दिया। थैंक यू। अरे तूने सुबह का न्यूज़पेपर देखा है? पूरा घर छान मारा, मस्त माइंड ब्लोइंग मिल ही नहीं रहा है। दादाजी के कमरे में, दादाजी के कमरे में शायद। दादाजी के कमरे में? अरे एक मिनट, कहाँ भागे जा रही है? कल रात की तेरी डेट अमन के साथ में कैसी रही? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छी थी, मस्त माइंड ब्लोइंग दीदी, मस्त माइंड ब्लोइंग। इतने जल्दी जल्दी में हमेशा घोड़े पे सवार रहती है, जैसे पता नहीं कहीं आग लगी हो या किसी का खून होने वाला हो। सेजल मर गया वो, और मर गई मैं, खून हो गया उसका। क्या बोल रही हो टैन, क्या हो गया? मर्डर? कल रात को मैं उससे मिली और वो अब मर गया। अभी पुलिस को तो यही लगेगा ना कि मैंने उसको मारे। मेरे साथ ना जिंदगी में हमेशा ऐसे होते, भला तड़ने जाती हूँ, भाटी खा के आती हूँ, कभी अमेरिका जाने के सपने देख रही थी और कभी मेरे को जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा टनी, जब तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ये सब क्यों होगा? पनी बात तो तेरे को मालूम है और मेरे को मालूम है, पुलिस को तो मालूम नहीं है ना। इसमें देख लिखा है कि उसका मेडर जो था ना वो 12:45 से 2 के बीच में हुआ है, और तभी हम ही वहाँ पे गए थे, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हम नहीं, उसके घर के अंदर तो मैं अकेली घुसी थी ना। तू तो डर के मारे बाहर बैठी थी, अभी पुलिस को मेरी वाट लगाएगी कि अपने माँ साहब ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी, सब बर्बाद हो गया। यानी इसका मतलब कि जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ कोई आया था जिसने विकास का मर्डर किया? और ये बात पुलिस को कौन बताएगा? और अगर गलती से वहाँ कोई सबूत रह गया होगा कि मैं वहाँ पे गई थी, तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। सेजल मेरे को ऐसा लगता है मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, देखने के कहीं मैं कोई सबूत तो नहीं छोड़ के आई। टनी तुम वहाँ अकेले क्यों जाओ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। अरे पार्थ, ये देखो
मैं क्यूट क्यूट बेबीज के फोटो कट करके एक बड़ा सा पोस्टर बनाने वाली हूँ और उस पोस्टर को मैं टेनी के रूम में लगा दूंगी ताकि हमारा बच्चा भी इतना क्यूट क्यूट सा पैदा हो, है ना स्मार्ट आइडिया? बहुत। और पार्थ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फाजी मुझसे न्यूज़पेपर मांग रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि टेनी के पास है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने टेनी से पहले ही पूछ लिया और टेनी ने मना कर दिया। ऐसा क्यों कहा उसने? आप भी ना, पिछले 3 महीनों में उसने इतने सारे हंगामे किए कि अब वो कुछ ना भी करे तो हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। कॉकरोच को मारते मारते शायद पेपर फट गया होगा तो फाजी के डर से उसने झूठ बोल दिया होगा। आप भी खामखाई परेशान हो रहे, चलो मुझे बेबीज का पोस्टर बनाने में मदद करो और बताओ कौन सा पोस्टर अच्छा है। ये अम्मे माता जी, आपको तो पता है ना कि मेरी जिंदगी में कैसा रहता फैला हुआ। अभी आप ही मेरे को हिम्मत तो सब कुछ झेल लेगी और अगर मैं किसी पंगे में फंसी ना तो आपको ही मेरे को निकालना पड़ेगा। हाँ प्लीज माता जी। किस मुसीबत के बारे में बात करी जान? इसको भी ना रोमांस के अलावा कुछ सुस्ता ही नहीं है। वैसे जो भी है, अब तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए इन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो आ गया हूँ तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन। मेरे पास मत आना, माफ कर समाज ना, मेरे मूड की वाट लगी पड़ी है। अगर तुम मेरे पास है ना तो जला के भस्म कर दूंगी आज। चला जाए। ओके 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 चल।